सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने का लुत्फ ही और है। वर्बर्टन में तंदूर के दहकते अंगारों पर चटपटे मसालों से तैयार तंदूरी फिश खाने में इतनी लजीज होती है कि लोग इसके लिए दूर दूर से आते हैं और घंटों इंतजार भी करते हैं। उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम तंदूर में दहकते अंगारे और मुख्तलिफ अकसाम के मसालों के साथ तैयार की गई तंदूरी फिश। वारबटन में तंदूरी मछली खाने के लिए आने वालों का रश देकर किसी तकरीब का गुमान होता है। शहरियों का कहना है कम मसाले और कम चिकनाई की ये मछली खाने के बाद वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मौसम ठंडा होता है, भूख ज्यादा लगती है, जैसे मछली तड़पती है ऐसे इंसान तड़पता है। मौसम बहुत ठंडा था तो इसलिए मौसम के लिहाज से ये आज एंजॉय करने आए हैं। तंदूरी फिश का ऑर्डर दिया हुआ, ये लगा हुआ है तो तंदूरी फिश यहाँ से मिलती है और यहाँ से कहीं नहीं मिलती। इनकी मछली वैसे भी बहुत अच्छी है, इनका मेयार भी अच्छा है। तंदूरी फिश बनाने वाले दुकानदार मोहम्मद वकील का कहना है कि फ्राई फिश के मुकाबले में तंदूरी फिश को तैयार करना एक मेहनत तलब काम है। मछली को 48 घंटे पहले 15 मुख्तलिफ किस्म के मसाले हाजात लगाकर फ्रीजर में रखा जाता है। मछली नू तैयार करन दे 2 दिन लगदे ने, इंदे च बर्फ लाई जांदी है ते इंदे नाल मछली तैयार होंदी, फिर इंदे तकरीबन 15-16 किस्म दे मसाले पाए जांदे ने जिंदे नाल मछली तैयार होंदी, फिर 2 फुट दी गहराई ते रख के मछली तैयार कीती जांदी है कि जेड़ी कोई आदमी नहीं इस तरह का तैयार करता। शहरियों का कहना है कि सर्दी में मछली खाने का मजा ही कुछ और है। तंदूरी फिश की तैयारी दुकानदार को भारी तो पड़ती है, लेकिन तेल में जो मछली 10 मिनट लगाती है कोयलों पर 1 घंटे में तैयार हो पाती है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ उस्मान सुंदराना, जी न्यूज, ननकाना साहिब। माजी के मकबूल चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 36 बरस गुजर गए। उनके बाद लॉलीवुड में पैदा होने वाला खला आज तक पूर्ण नहीं हो सका।